हुए थे। ओगड़नाथ जी, ओगड़नाथ जी देखते हैं बुढ़िया मैया को तो कहने लगे, मैया तू कैसे परेशान है, कहां से आई है? तो भक्तों बुढ़िया मैया समझाने लगी, बाबा मुझे ऐसा लगता है तुम सास बहू में लड़ाई करवाते हो। ओगड़नाथ जी कहने लगे, मैया मैं तेरी बस्ती में आया हूँ, गुरु ने खंडाया हूँ, लेकिन किसी भी माई ने मुझको एक चुटकी आटा नहीं दिया। जो भी माई देखती है हाथ हिला देती है, मैया मुझे ऐसा लगता है कि इस बस्ती में बहुत भारी शोक पड़ा हुआ है। जब इतनी बात सुनी तो बुढ़िया मैया ओगड़नाथ जी को समझाने लगी कि बाबा हमारी बस्ती में कोई शोक नहीं पड़ा हुआ है, और बाबा ना ही हमारी बस्ती ऐसी है जो किसी को दान ना दे, लेकिन बाबा जो हमारे नगर की रानी है, रानी बाचल, उसका ये आदेश है कि जो भी साधु संत महात्मा आएगा उससे सबसे पहले मेरे दरवाजे से भिक्षा मिलेगी, उसके बाद बस्ती में दान पुण्य होगा। तो बाबा जब तक आप मैया बाचल के दरवाजे पर नहीं पहुंचोगे कोई भी माई तुम्हें भिक्षा नहीं देगी। तो प्यारे भक्तों ओगड़नाथ जी कहने लगे, मैया कहां है उस मैया के दरबार, मुझे आप ये और बता दो। बुढ़िया मैया समझाने लगी है बाबा को, हे बाबा ऊंची पौड़ी बंक द्वारे मलिहारी का पेड़, हाथी बंधा हुआ है माता के दरवाजे पे, अगर जाओगे हाथी के आगे कर तो पहुंच जाओगे काछल के। काछल बड़ी बहन है, बाछल बड़ी बहन और काछल छोटी है, अगर तुम हाथी के आगे कर जाओगे तो काछल के यहाँ पर पहुंच जाओगे। काछल ऐसी है तुम्हारे ढोलक बाजे सब छीन के धर लेगी और कुत्ते लहकार देगी और यूं कहेगी, बाबा लट्ठा कट्ठा उल्लू को सब पट्ठा ढोले तो खाया कमाया ना जावे। और बाबा अगर जाओगे हाथी के आगे कर तो पहुंच जाओगे माता बाछल के यहाँ पर। माता बाछल तो ऐसी भगतनी है बाबा, तुम्हारे घी से दूध से दही से बूरे से आदर सत्कार करेगी, और जब तुम सुबह को आरती करवा के जाओगे तुम्हें सुबह 2,000 रुपए दे के विदा करेगी और कहेगी, पंडित जी तनिक जल्दी जल्दी आ जाए करो, तुम तो बहुत दिन में आए हो। तो बाबा आप मैया बाछल के दरवाजे पे जाओ, वही मैया तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। आज ओगड़नाथ जी किस प्रकार से मैया बाछल के दरवाजे पर जाकर के रख लगा देते हैं, कह दो गुरु गोरखनाथ की। आज कैसे ओगड़नाथ जी माता बाछल के दरवाजे पर जा रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मध्याचल शीत सुगंध पवन कल प्रात को जान चली कल काल कुठार लिए फिरता नम्र तन पे चोटी छिली ना छिली कह दे हरि नाम हरि रसना तू अंत समय पहली ना रही। कह दो सच्चे दरबार की जय हो। और ओगड़ ने अलख जगाया, आज ओगड़नाथ जी माता बाछल के दरवाजे पर जाकर के अलख जगा रहे हैं। और कैसे ओगड़ ने अलख जगाया माता के द्वार पे जगाया माता के द्वार पे आया। बाबा ने अलग जगाया माता के द्वार पे आया। जय हो।
बुलाई। मैया माँ चल ने सुनवाई आने बांदी हाल बुलाई। ओ मैया माँ चल ने सुनवाई आने बांदी हाल बुलाई। मैया माँ चल ने सुनवाई आने बांदी हाल बुलाई। अरे बाबा ओ पास बुला भर दे रे छोड़।